नाथ जी, गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। दो तीन साधकों का ऐसा रिक्वेस्ट आया कि किसी ने उनका मंत्र बांध दिया है या मंत्र चल नहीं रहा, तो बंधन खोलने का तरीका बताया जाए। देखिए, सबसे पहले समझिए कि साबर मंत्र होता क्या है, साबर मंत्र का हिस्ट्री क्या है। साबर मंत्र मां भगवती के द्वारा आम जनमानस को तंत्र की शक्ति प्रदान करने के हेतु एक उपहार है। इसका कथा मिलता है जहां पर आदिनाथ के रूप में शिव जो है महाभारत के समय अर्जुन से युद्ध करते हैं, दोनों आखेट में जाते हैं, तो अर्जुन ने एक तीर से एक सुअर को मारा। अब उस शिकार के लिए लड़ाई होने लगा, महादेव शिकारी के वेश में थे, अर्जुन जी ने नहीं पहचाना, तो माँ भगवती भी वहां आ गई, वो भी शिकारियों के बीच में बैठ के दोनों का युद्ध देखने लगी। तो माँ भगवती को शिकारियों ने वहां पर मांसाहार दिया, माँ ने उसको खाया। इससे माँ बड़ा प्रसन्न हुई क्योंकि वो जो उनको मांसाहार दिया, वो जो प्रसाद दिया उनको, वो बिना किसी भावना के कि इसके बदले मुझे कुछ मिले, ऐसा उन्होंने दिया। जब सारा प्रकरण समाप्त हुआ तो माँ भगवती अपने रूप में आई और बोला कि तुम लोगों ने अभी जो मेरी सेवा की उसके बदले वरदान मांगो। तो वरदान में उन लोगों ने बोला कि ये जो पंडित लोग जो इतना मंत्र करते हैं, तामझाम करते हैं, इतना हमसे होता नहीं, कुछ ऐसा वर दो कि हम लोग ऐसे ही मंत्र उच्चारण कर पाए, हमारा भी तंत्र चले। तो माँ भगवती ने महादेव जी के द्वारा साबर मंत्र की रचना करवाई। जब कलयुग में सारे मंत्र बैंड हैं, उस समय सिर्फ एक ही मंत्र चलता है, वह है साबर मंत्र। ठीक है, तो साबर के कई प्रकार हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। बहुत सारे प्रकार के साबर मंत्र होते हैं जो अलग अलग काम के लिए यूज होते हैं, जैसे कि बराटी होता है जो नॉर्मली यूज करना चाहिए, बहुत अगर उग्र साधना करना है तो डार साबर होता है, इसको कर सकते हैं, या बिल्कुल ही सौम्य साधना करना हो आप लोगों तो प्रबल साबर मंत्र होता है। खैर, तो ये साबर मंत्र हैं। ठीक है, अच्छा, मैं ये जो साबर मंत्र, मैं ये भी पक्का नहीं हूं कि आप में से जो इतने साधक हैं, इसमें से आप लोगों में से कितने लोग प्रकार के साबर मंत्र और क्यों साबर मंत्र के प्रकार बने ये जानते भी होंगे कि नहीं। देखो, अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मैंने अपने ही लोगों से बात करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसका कीमत मैं रोज बढ़ा रहा हूँ, वो 51 रुपये से शुरू हुआ था। तो उसमें मैंने दो ग्रुप बनाया था, किसी ने बताया गुरुजी एक तो नए नए लोगों के लिए आप ग्रुप बनाओ और एक सदैव साधकों के लिए ग्रुप बनाओ जो कि साबर मंत्र में सधे हुए हैं। ठीक है, मैंने दो ग्रुप बनाया। अभी क्या है, आज गत 4 दिन में मैंने एक ग्रुप को बंद कर दिया, एडवांस वाले को। अब सबको मैं स्टेज 1 में लेके आया हूँ। क्यों लेके आया, ये जो साधक हैं जिन्होंने साधनाएं कर रखी है, मैं हर बार बोलता हूँ बिना गुरु के साधना बहुत घातक होती है और सही गुरु पहचानना भी बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो बहुत सदैव साधक है उनसे मैं पूछता हूँ कि तुम एक बात बताओ कि ये मंत्र को करने से पहले जो तुम अपने आसन को बांधोगे तो आसन बंधन का मंत्र क्या है साबर में, तो उनको पता नहीं। भभूत कैसे उठाएंगे, उनको पता नहीं। क्या क्या सामान चाहिए और हर सामान को सिद्ध कैसे करते हैं, तो उनको पता नहीं, उसका मंत्र नहीं पता, उसका विधि नहीं पता। देखो, जो साबर मंत्र की शक्ति जो विलुप्त होती है ना, उसके पीछे एक ये भी कारण है। देखो, 3-4 कारण है जिससे कि साबर मंत्र की शक्ति जो है वो काम नहीं करती। एक तो है कि मैंने बोला कि साबर मंत्र आम लोगों के लिए तंत्र भगवती ने दिया था। ठीक है, तो जैसे ही आप आम में खास बनने लगिएगा तो साबर मंत्र की शक्ति चली जाती है। आप जितना आम बन के रखिएगा, आप देखिएगा जो सच में अघोरी होंगे ना, जो सच में औगड़ होंगे, ये जो अभी ये फ़ोन बज रहा है पीछे, आप समझो कितना मैसेज मुझे आता है। तो जो सच में औगड़ और अघोरी होते हैं या तांत्रिक होते हैं ना, वो बड़े विनम्र होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे वो खास होंगे तो वो साबर मंत्र की संज्ञा से बाहर हो जाएंगे, इसीलिए वो हमेशा चाहते हैं कि वो बिल्कुल ही सिंपल रहें
और यही राज है, अगर साबर मंत्र चलाना है तो पहला चीज आपको शांत और सौम्य हो जाना चाहिए, कितना भी पावर है। दूसरा, साबर मंत्र का कभी भी कहीं पर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, साबर मंत्र को कभी कहीं बोलना नहीं चाहिए। तीसरा, अगर आपने गुरुमुख हुए बिना किसी साबर मंत्र को उठा लिया है कहीं से, आपको किसी सिद्ध साधक ने नहीं बताया, जो मैं हमेशा बोलता हूँ गुरु परिवार को खोज के रखो, किसी साधक से मंत्र ले लो, तो वो मंत्र काम नहीं करता। वो अपनी शक्तियाँ दिखा सकता है, थोड़ा तामझाम आपको दिखाएगा, लेकिन वो मंत्र पूरा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तीन कारण है, मैं अपना फ़ोन साइलेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग जाने तो ये तीन कारण है जिसके कारण से साबर मंत्र जो है वो काम करना बंद कर देते हैं या फिर नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर देखिए, कुछ ऐसे अवगढ़ होते हैं ना जो कि साधना नहीं शक्ति के पीछे भागते हैं, तो वो लोग कुछ ऐसे उद्दंड आत्माओं को या उद्दंड शक्तियों को रखते हैं जो कि आपकी शक्तियों को रोके। मेरे सामने का देखा हुआ घटना है, कामाख्या में हवन हो रहा था, एक बहुत ही अच्छे अघोरी थे, वो हवन कर रहे थे लेकिन काफ़ी पिए हुए थे, तो उन्होंने कुछ दो तीन ऐसे अघोड़ों को डांट के भगा दिया। उसके बाद कितना भी आहुति पड़े, वो हवन जलता ही नहीं था, वो हवन पे रोक लगा दिया, बंदिश लगा दी उन लोगों ने। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ठीक है, एक बार किसी ऐसे जनरल लाइफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार सड़क जाते हुए किसी कांस्टेबल ने मेरी गाड़ी रोक ली, तो मैंने भी एक IPS अधिकारी को फ़ोन घुमा दिया कि देखो ये बंदा गलत कर रहा है, हाँ ये कांस्टेबल गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। और IPS ने बोला कि क्या उसका स्तर है कि आप उसके सामने खड़े होकर के उससे बात भी करो। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा तो इनका स्तर नहीं है। तो बोला फिर क्यों कर रहे हो आप ऐसा। तो साधना क्षेत्र में भी आपको देखना होगा कि आप एक स्तर के लोगों के साथ उठो बैठो और उनसे बात करो। तीसरा, अति साधना करने से, अगर साधनाएं आप अपने क्षमता से ज़्यादा करते हैं, तो कामाख्या में एक माई प्रसिद्ध है जिनको बोगी माई कहते हैं। ठीक है, बोगी माई का काम है कि अगर आपके पास क्षमता से ज़्यादा साधनाएं आ गई तो वो आपकी साधनाएं ले जाती हैं। ठीक है, इसीलिए जो गुरु के अंदर में होता है ना, वो चेला कभी भी 4-5-6 इससे ज़्यादा साधनाएं नहीं करता। साल में एक बार हो सकता है किसी शक्ति को जगा ले, लेकिन जो प्राइमरी 4-5 साधनाएं हैं उससे ज़्यादा साधनाएं कभी भी एक सक्षम गुरु अपने चेले को नहीं देता है। ठीक है, ये हो गई बहुत सारी कहानियाँ। अब आप मेरे हिसाब से विषय समझ गए होंगे कि मैंने क्या विषय रखा। आप लोगों को अगर क्रमबद्ध साधनाएं सीखनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। ठीक है, तो जो अब आप लोगों को प्रयोग करना है वो क्या करना है कि एक मंत्र मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो गोबर के जो कंडे आते हैं ना उस पे हवन करना गूगल से। ठीक है, 21 दिन तक। तो ये मंत्र जो है, मंत्र जगाने वाला मंत्र, ये आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और एक बार ये मंत्र जब आपका सिद्ध हो जाएगा तो आपको बस इतना ही करना है कि किसी भी साधना को करने से पहले, किसी के कार्य को करने से पहले, जो आपका सिद्ध मंत्र है उसको चलाने से पहले इस मंत्र का 11 बार जाप करना। ऐसा करने से जो आपका मंत्र सुप्तावस्था में है या किसी ने बांध रखा है वो चलेगा बिना रोक टोक के। मंत्र क्या है? मंत्र है सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी डार साबर पर भर जागे, जागे अड़ैया और बर्राट, मेरा जगाए ना जागे तो तेरा नरक कुंड में वास, दुहाई साबरी माई की, दुहाई साबर नाथ की, आदेश गुरु गोरख को। ठीक है, बस इतना सा मंत्र है। इस मंत्र को गोबर के कंडे पे आपको गूगल से आहुति देते रहनी है। एक बार पढ़ा उसका आहुति दे दिया। अच्छा, गूगल कभी भी बीच में बुझना नहीं चाहिए। ऐसा 21 दिन करना, 22वें दिन से आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद किसी भी काम को आप बिल्कुल आराम से उठा लेना। इस साधना के बाद अगर आपने कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है तो वो तय है, वो अपना काम करके ही लौटेगा, उसके बिना नहीं लौटेगा। तो छोटा सा मंत्र था, वीडियो थोड़ा लंबा था क्योंकि कुछ जानकारी और कुछ चीज़ें बतानी आप लोगों को ज़रूरी थी कि क्यों मंत्र बनता है और क्यों मंत्र सो जाता है। तो उम्मीद है कि आइंदा आप लोगों का मंत्र बंधेगा नहीं, सोएगा नहीं। हाँ, अब उन साधकों को मैं बता दूँ जो कि सही में
कानिफनाथ पंत के हिसाब से साधना करना चाहते हैं और जो बेसिक्स है वो साधना का सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे मेरे ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाइए, वो पेड ग्रुप है, और उसके बाद अपना आईडी कार्ड मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा तो मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। अभी नया बैच जस्ट शुरू किया है। आज के लिए इतना ही। मुझसे बात करना हो तो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रुद्रनाथ जी हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं अगर बहुत इमरजेंसी हो, वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट लेने का भी विधि है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।